अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी तीन तरह के समोसे। एक बनाऊंगी आलू समोसे, दूसरे मैं बनाऊंगी पंजाबी समोसे, तीसरे मैं बनाऊंगी पिज्जा समोसे। मैं आटा एक ही दफा गूंदूंगी और फिलिंग मैं आपको बारी बारी दिखाती जाऊंगी। यहाँ 2 टेबल स्पून घी है, इसके अलावा 2 टेबल स्पून और लूंगी, यानी कि 4 टेबल स्पून। 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर है, यानी कि 2 कप मैदा। 4 टेबल स्पून घी डाल दें इसके अंदर। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप इसके जगह तेल भी यूज कर सकते हैं, तेल डाल दें। 4 टेबल स्पून तेल यूज कर लें। इसके अलावा यहाँ इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। ये देखिए, हाथ से इस तरह से आप कर लें। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर दें। जब अजवाइन लाएं या जीरा तो उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आप उसको सुखा लें, धूप में सुखा कर एयर टाइट बॉटल में रख लें। मैं इसी तरह करती हूँ, जब भी मैं अजवाइन या मैं जीरा लाती हूँ तो उसको अच्छी तरह से धोती हूँ। धोने के बाद उसे धूप में सुखाती हूँ, फिर मैं इसे जार में रख देती हूँ। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। आप चाहे तो इसके अंदर जीरा भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा शामिल कर दें। को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देखें इस तरह से। बहुत अच्छी तरह से घी के साथ मैदे को मिक्स करें। ये देखिए, अगर इस तरह आप करें बाइंडिंग हो जाती है आपकी, ये यानी कि आटा को आपने मिक्स कर दिया है तेल के साथ या घी के साथ, तो ये तरीका कार है। इस तरह से आप करें, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर डालेंगे और इसके जो डो है आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। 2 कप मैदा, 4 टेबल स्पून घी डाल दें या तेल डाल दें, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद पानी डालें और इसको गूंदते जाएं। आटा थोड़ा सख्त गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, मीडियम गूंदेंगे। देखें इस तरह मिक्स कर लें। थोड़े से पानी डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। आटे को 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे, थोड़ा सेट हो जाए, फिर दोबारा से इसे गूंदेंगे। ये देखें, दोबारा से इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे। थोड़ी देर आप अगर छोड़ देंगे ना, 10 मिनट या 15 मिनट से छोड़ देंगे, तो आप देखें डो जो आप है ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जबरदस्त डो तैयार है। आप डो देखें किस तरह सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब दोबारा से भी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको एक साइड में रख देंगे और बाकी के जो प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको फिर दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे हम। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, या आप घी के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर डालेंगे ऐसा फटेटा, मतलब हींग। अगर आपके पास हींग है तो ज़रूर डालिएगा, तकरीबन 1/2 टीस्पून। थोड़ा गर्म हो जाए और हींग में से अच्छी खुशबू आ जाए। ऑयल गर्म हो गया और हींग में से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। हींग को अच्छी तरह से पहले आप ना तेल में फ्राई कर लें। हींग के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। जीरे को रोस्ट करेंगे, साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रीन चिली, 2 अदर ग्रीन चिलीज ले लें, रोस्ट बारीक बारीक काट लें। अब इसके अंदर डालेंगे जिंजर, जिंजर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, कद्दूकस कर लें,
अदरक को उस तक तक कुक करेंगे तब तक इसमें से अच्छे से खुशबू ना आ जाए, तब तक इसे फ्राई करते रहेंगे। बस अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, साथ ही इसके अंदर मटर शामिल करेंगे। मेरे पास मटर फ्रोजन है, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े से हरा धनिया अभी शामिल कर देंगे इसके अंदर, थोड़े से पानी शामिल कर दें ताकि मटर कुक हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद लेड लगाएंगे और फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे, सिर्फ 5 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। आलू बॉईल कर लें और उसे आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ हमारे पास है रोस्टेड कूटा हुआ धनिया और रोस्टेड क्यूमिन और रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स, उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, उसके बाद उसे कूट लें और इस तरह से इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे अनारदाना शामिल कर दें इसके अंदर। ये देखिए ज़बरदस्त फिलिंग हमारी रेडी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून, मटर मैंने लिया है 1/4 कप, आलू हमारे पास है 2 अदद, आप चाहे तो इसी क्वांटिटी को बढ़ा लें, मैं क्योंकि कम बनाऊंगी और कम दिखाऊंगी आपको, इस वजह से मैंने सब चीज़ें कम ली हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। अब मसाला अपने हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। ये देखें बिल्कुल ड्राई कर लें, एक फिलिंग हमारी रेडी है, इसे ठंडा करेंगे। ये देखें बिस्मिल्ला। अब इसके 3 हिस्से करेंगे और 3 तरह के समोसे बनाएंगे। तो ये देखें एक ये डो, दूसरे ये डो और ये थर्ड वाला पार्ट जो है मैं लूंगी। ये देखें अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे हम। ये देखें 5 से 6 जो थोड़े कम है वो ज़्यादा कर लें, जो ज़्यादा है वो कम कर लें। इस तरह से 6 पेड़ी बना लेंगे हम, तमाम पेड़ों को इस तरह से बनाकर। देखिए आलू के समोसे को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ्रीज कर लें, इसको नीचे फ्रिज में रखकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबा हो लेंगे। अब इसके सेंटर से ये देखिए काट लेंगे, इस तरह से काट लें। पानी लगाएंगे इस तरह से और ये देखें इस तरह से मोड़ेंगे इसे, ठीक है ना, और इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। ठीक है साइडों में फिर पानी लगाएंगे इस तरह से, ये देखें इसको इस तरह से पकड़ कर हम ये देखें कि देखें बहुत बड़े समोसे नहीं बनाएंगे, मिनी समोसे बनाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। तमाम पंजाबी समोसे बनाकर तैयार कर लिया मैंने, अब इसे चले फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। तेल गरम कर लें अच्छी तरह से, बिस्मिल्लाह।
ये देखिए इस तरह से गोल्डन हो जाए तो निकाल लें। जबरदस्त क्रिस्पी समोसे तैयार है। चलें फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए जबरदस्त पंजाबी समोसा तैयार है इस रमजान में, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट कराची समोसे तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। पैन गर्म हो जाए इसके अंदर डालेंगे हींग। अगर आपको पसंद है तो हींग डालें वरना स्किप कर दें, ठीक है। तो हाफ टी स्पून इसके अंदर हींग डालेंगे, साथ ही इसके अंदर डालेंगे अजवाइन क्वार्टर टी स्पून, जीरा शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून, मस्टर्ड सीड शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, इसको थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट करेंगे। सबसे पहले दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर, क्वार्टर टी स्पून ऐसा फेडिडर डाल दें यानी क्या है हींग, उसके बाद हाफ टी स्पून जीरा, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड शामिल कर दें, उसके बाद इसके अंदर एक अदद प्याज शामिल करेंगे। ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ सॉटे करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया वन टेबल स्पून हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से गरम मसाला यानी कि क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को मीडियम पे रखें या लो पे रखें। हमारे पास यहाँ मैश पोटैटो है, ये तकरीबन दो अदद है, इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल मैश ना करें। देखिए जिस तरह मैंने चंक्स छोड़े इस तरह आप इसके अंदर चंक्स छोड़ें। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया शामिल कर दें टू टेबल स्पून। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दें। फिलिंग हमेशा ड्राई रखें, ठीक है, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, वरना जो आपके समोसा है आप उसे हैंडल कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो फिलिंग है जिस तरह मेरी ड्राई है इस तरह ड्राई हो। दूसरी फिलिंग भी हमारी रेडी है तो इसे भी हम ठंडा करेंगे। ये देखें अभी ये पोर्शन जो है पिज्जा समोसे के लिए। अच्छा ये देखें, आपको मैं मिनी समोसे बनाकर दिखाई थी, पंजाबी मिनी समोसे। अब इसकी मैं तीन बॉल्स बनाऊंगी और सिर्फ छह समोसे बनाऊंगी। उसके मैं 12 समोसे बनाई थी, इसके मैं 6 समोसे बनाऊंगी, ठीक है। तो ये देखें, चले इसको बेलते हैं, ड्राई फ्लावर लगाएंगे और इसको लंबा बेलेंगे। दरमियान से हाफ ऑफ कर लेंगे। पानी लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, अब इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, आपको जितना पसंद है आप डाल दें, ओवरफ्लो ना करें, ठीक है। साइडों में पानी लगाएंगे इस तरह से, ये देखें
अच्छी तरह से दबा दबा कर बंद कर लें और ऊपर से इस तरह से कर लें। इसका तो ज़बरदस्त समोसा तैयार है। इस तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट कर दें और इसके ऊपर आप रखते जाएं। 6 समोसे रेडी हो गए। अब इसे फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए तेल गरम कर लें, इसके अंदर समोसे डालते जाएं। ये देखें इस तरह से गोल्डन हो जाए तो निकाल लें। थर्ड फिलिंग जो हमारी है वो है पिज्जा समोसा। तो चलिए अब और उसकी फिलिंग तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं। थर्ड फिलिंग तैयार करेंगे हम। तो थर्ड फिलिंग है पिज्जा समोसा। इसके लिए भी 2 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दें। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। हमारे पास यहाँ 1 ड्रेस पीस है, छोटी छोटी क्यूब में काट लें। इधर शामिल करेंगे 3 कप पाउडर, 1/2 टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून से कुक करेंगे। पानी ऐड करेंगे 1/4 कप, ऊपर लेड लगाएंगे। 1/2 चिकन क्यूब शामिल कर दें या इसकी जगह 1/2 टी स्पून आप सॉल्ट ऐड कर दें। लगाएंगे चिकन को अच्छी तरह से टेंडर करेंगे। देखिए चिकन जो है वो हमारा टेंडर हो गया है। फ्लेम को हाई करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। 1/2 टी स्पून व्हाइट पेपर, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर, साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ऑरिगैनो 1/2 टी स्पून। अब कुछ वेजेज है हमारे पास, जिसमें है रेड कैप्सिकम, येलो, ग्रीन एंड अनियन शामिल कर दें। अब इसके अंदर ये देखिए हमारे पास है पिज्ज़ा सॉस 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। बिल्कुल ड्राई करेंगे ताकि फिलिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिलिंग को हम ठंडा करेंगे। ये देखें अब इसके अंदर डालेंगे मोज़रेला। आपका अगर दिल करे तो आप इसके अंदर चेडर चीज भी डाल दें, शामिल कर दें। इसके अलावा इसके अंदर आप ऑलिव्स भी, जैतून यानी कि जैतून भी शामिल कर सकते हैं। जबरदस्त पिज्जा समोसे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप रमज़ान में बनाएं, रमज़ान के अलावा भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा बनाकर आप इसे खाएं। और डालेंगे इसके अंदर बच्चों को
मोज़रेला बहुत पसंद है तो ज़रूर डालें। चलिए फिलिंग हमारे तैयार है, अब समोसे तैयार करते हैं। ड्राई फ्लावर लेंगे और ये देखें, ये जो आखिरी पेड़ा है वो ले लिया हमने। तो अब इसके भी तीन पोर्शन करेंगे। ये देखें, एक दो और ये तीन, ठीक है। सबको गोल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ड्राई फ्लावर लगाएंगे और इसको बेलेंगे। थोड़ा सा इस तरह से बेलें। लंबा करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से तीनों रोटियों को अब इसे कट करेंगे। ये देखें, दरमियान से काटेंगे और पानी लगाएंगे। सेम वही तरीका कार है जो पहले भी हम इसे बना चुके हैं। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पिज्जा फिलिंग करेंगे। पानी लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। ये देखें, बनाकर इस तरह से रखते जाएं। पिज़्ज़ा समोसे तैयार है, चलिए यहाँ पे फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, ऑयल गर्म हो जाए, बिस्मिल्लाह, इसके अंदर डालेंगे। इसको सेव कर लें, रमज़ान में निकालें और फ्राई करें। लेकिन आलू के समोसे को आप इतना ज़्यादा सेव ना करें, एक हफ्ते के अंदर आप फ्राई कर लें। ये देखिए, अब इसे निकालेंगे, इस तरह से गोल्डन कर लें। तीन तरह के समोसे हमारे तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से मेरा हौसला अफजाई किया करें, आप लोगों के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तमाम रेसिपीज़ को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।